नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए वो जानकारी मिल सके जिस जानकारी से आप एक जागरूक हो सकें और एक बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही घटना की जिसमें फंसने के बाद लोग जो ब्लैकमेलर है उस ब्लैकमेलर को गाली गलौज करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो इनमें से ही मेरे पास कुछ क्वेरीज आई और मुझसे सवाल पूछा गया कि सर मैंने उसको गाली गलौज किया, मैंने उसको मतलब गंदा भला बुरा भला बोला, तो क्या मैंने सही किया या गलत किया। तो आज हम इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आपको उस ब्लैकमेलर को गाली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उससे पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक जो जानकारी है वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो बहरहाल शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे नहीं समझेंगे तो फिर आप जब मुझे कॉल करेंगे मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसे बताया, फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो बहरहाल ये जो घटना है ये इंदौर की है और इंदौर में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ में जैसे आपने बताया वैसे ही बिल्कुल हूबहू ब्लैकमेलिंग हुई है और ये जो आपने फ़ोटो जो दिखाई है लड़की की, उसी लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया गया। पहले मुझे प्यार की जहाँ से उसने फांसा, उसने मुझसे दोस्ती की, उसने मुझे बहुत ही मतलब मुझसे वादे किए, मुझसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन बाद में ये मुझे फ्रॉडर निकली, ब्लैकमेलर निकली और इसने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे दुखाया है, मुझे परेशान किया है। जब मुझे वीडियो बनाने के बाद मेरे साथ में इसने ब्लैकमेलिंग की स्टार्ट की और उसके बाद फिर मुझसे ही पैसा मांगना शुरू कर दिया इसने गलत तरीके से मेरे साथ में। मुझे नहीं मालूम थी ये मेरे साथ धोखा करेगी, तो इसने मुझे अपने प्यार के झांसे में मतलब मुझे झांसे में मुझे फंसाया और उसके बाद मुझसे इसने वीडियो कॉल करने के लिए कहा था। तो पूरा ये क्या माजरा था, किस तरीके से इनके साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। इनके पास एक अनजान नंबर से, अनजान एक आईडी से जिसका नाम था पुष्पा देवी के नाम से, इनके पास में एक वीडियो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये जब उसने बातें करनी शुरू करी तो इन्होंने भी उससे बातें करना शुरू कर दिया और ये बातें जो थी बहुत लगातार इनके साथ में 3 दिन हुआ और 3 दिन में इनको उससे प्यार हो गया और उन्होंने अपनी सारी बातें उसको बताना शुरू कर दिया कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। इन्होंने कई बार उससे ऑडियो कॉल करने के लिए कहा लेकिन उसने हर बार मना कर दिया, कभी मम्मी का बहाना तो कभी स्कूल का बहाना तो कभी कॉलेज का बहाना। इन्होंने बताया था कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ और अभी फ़िलहाल में मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इन्होंने मतलब विक्टिम हैं, इन्होंने जब भी इससे कहा कि मैं तुमसे वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करना चाहता हूँ ऑडियो कॉल बात करो मेरे से, लेकिन बात इसने नहीं किया, इसने हर बार चैट ही किया, टेक्स्ट ही किया, मैसेज ही किया व्हाट्सएप पर। तो ये इनकी बातें हुई, ये सीधे मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आ गए, व्हाट्सएप पर काफ़ी दिन की बातें हुई, 3 दिन मैंने बताया आपके लिए लगातार। और उसके बाद 3 दिन के बाद इनके पास इसने लड़की ने ही खुद कहा कि आप बार बार मुझसे ऑडियो कॉल करने गए थे, आप मेरा मन है कि मैं आपसे आज वीडियो कॉल करूं और मैं आपसे कुछ अपने मन की बातें जो मुझे करना है मैं वो करना चाहती हूं आपके साथ में। इन्होंने क्या पूछा क्या करना चाहती हैं, तो उसने कहा कि आज थोड़ा रोमांटिक मूड हो रहा है और मेरा मन कर रहा है, मम्मी भी घर पर कोई भी नहीं है, तो आपसे मैं आज वीडियो कॉल करना चाहती हूं। तो इन्होंने जब इंसान को एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब जो इंसान उसको बात करता है उससे प्यार करता है तो फिर उसको देखना भी चाहता है, तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि देखें। लेकिन यही वही चीज़ें स्टार्ट हो गई जो एक ब्लैकमेलर के साथ में, ब्लैकमेलर एक अपने विक्टिम के साथ करता है, यानी कि जो मेंटली चीज़ें जो व्यक्ति पहले से सोच के बैठा है कि इसको मुझे ब्लैकमेल करना है, इसको मुझे अपने झांसे में फंसने के बाद इससे एक्सट्रॉट करना है मनी पैसा, तो वही चीज़ें उसके साथ में हुई और वही वीडियो, वही लड़की जो मैंने आपको कई वीडियोज़ में आपको दिखाया कि टी शर्ट पहनी हुई लड़की जो होती है धारी लाइन्स वाली, वही रूम वही चीज़ें उसने करना शुरू कर दिया और उसने वीडियो जो थी बना ली उसने। उसमें उसने कहा कि आप प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सब कुछ दिखाओ, तो लड़की ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो लड़का थोड़ा शाय किस्म का था और जब उसने मना कर दिया तो काफ़ी उसको उकसाया कि तुम्हारे कुछ है नहीं, तुम कुछ
कर नहीं सकते हो, तुम्हारा किसी काम के नहीं है, तुम ऐसे वैसे हो, उसने कई चीज़ें बोली। लेकिन लड़के ने फिर भी हरगिज, मतलब वो समझने लगा क्या है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें उसने मना कर दी कि मैं ये चीज़ें नहीं दिखा सकता, आपको नहीं चीज़ कर सकता। लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कोशिश करके बाद जब वो नहीं माना, नहीं हुआ, तो वही वीडियो यानी कि जो थी उस वीडियो को, मतलब उसका फेस तो आ गया था, कैप्चर हो गया था, उस फेस को वीडियो को ही बनाकर उसका जो प्राइवेट पार्ट किसी और का उसमें ऐड करके उस वीडियो को उसी लड़के के पास भेज दिया और देख कहा कि देखो तुम ये गंदे काम करते हो, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, तुम लड़कियों को साथ इस तरह की चीज़ें करते हो। ये चीज़ें कहते हुए उसने कहा कि काफ़ी चीज़ें जब धमकाया डराया तो वो विनती करता कि तुमने ऐसा क्यों क्यों किया, क्यों वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की। तो वही चीज़ें क्या बताओ क्या करना है कि इसको अपलोड करना है या डिलीट करना है, तो बताओ क्या करना है। तो उसने कहा कि इसको हटा दो, इसको डिलीट कर दो, इससे वो नहीं है, परेशान नहीं है, समाज में सामाजिक चीज़ें हैं, मेरी इज्जत है, परिवार की इज्जत है, तो इससे चीज़ें मत करो आप। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और पैसे की डिमांड करती गई लगातार। ऐसी चीज़ें जब इनके साथ में होती गई और होने के बाद जब इंसान एक चीज़ें जो ट्रस्ट होता है जब ब्रेक होता है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि मेरे साथ में इसने ऐसा किया, मुझे दोस्ती बनाई, प्यार किया मुझे और उसके बाद अब ये सब चीज़ें मेरे साथ में करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग का पार्ट बना दिया उसको। तो इंसान को जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो फिर इन्होंने उसको खूब जी भर के गालियाँ भी दी। गालियाँ देने के बाद उसने भी इसको गालियाँ दी, मतलब दोनों ही बातें जब स्टार्ट हुई तो गालियाँ स्टार्ट हो गई और फिर ये चीज़ें जो ही वो काफ़ी बढ़ती चली गई और फिर कई यूट्यूब वगैरह यहाँ से वगैरह वहाँ से फ़ोन आते गए और फिर ये सबको गाली देने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब इंसान जब ज़्यादा डिप्रेसाइज होता है, परेशान होता है कि कोई भी समाधान सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो सर्च करता है उन चीज़ों को निकालने के लिए। तो इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया और यूट्यूब पर सर्च करने के बाद काफ़ी वीडियोज़ आई, लेकिन हमारी उनमें से एक वीडियो थी और हमें उन्होंने उसको लेकर हमें कॉल किया और कॉल करने के बाद हमसे पूछा कि सर इस तरह की चीज़ें हैं, मैं बताइए क्या करूँ क्या ना करूँ। अब मैं आपको बहरहाल बताता हूँ कि देखिए ये चीज़ें क्या होना है क्या नहीं होना है, ये चीज़ें तो देखिए आपके सामने हैं, कुछ लोगों की है जो वीडियो वायरल भी हो जाती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। तो यहाँ पर चीज़ें मैं जो मेरा मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है आज की वीडियो बनाने के लिए, ये है कि आपको गाली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए गाली देने का मतलब अगर आपके साथ में कुछ हो रहा है और आपको बाद में गुस्सा आ रहा है तो उसका मतलब यही है कि आपको क्रोध आ रहा है, तो वो आप क्रोध गालियों के रूप में उसको सामने वाले को दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति जैसा नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ रॉयल फैमिली से होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, जिन्होंने जिनको गाली देना मतलब अपनी जुबान गंदा करना, क्यों गंदा करें। कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, कुछ हर प्रकार के जीवन में हैं लोग, कुछ गाली गलौज ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ अपना क्रोध गाली में निकालना चाहते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि चलो ठीक है जो उसने किया वो किया, भगवान इसको ऊपर वाला इसको इसकी सज़ा देगा। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए मेरा वीडियो जो है, वो आप भी देख रहे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप भी देख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लैकमेलर हैं, गलत हैं, गंदे हैं, वो भी देखते हैं, हर कोई देख सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गाली गलौज का सिस्टम है वो देखिए, उसने जो गलत किया वो तो पहले प्री प्लान था, वो माइंड था उसने उसको पता था कि मुझे इसको ब्लैकमेल करना है, इसको बाद में मुझे इससे पैसा ऐंठना है, ये चीज़ है। लेकिन आप यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आप गाली देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर किसी के लिए नहीं दिखाऊंगा बताऊंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि कुछ परिवार से ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी गाली सीखी ही नहीं, गलत बोलना सीखा ही नहीं, ऐसे कुछ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई गलतों के साथ में कर दे तो वो बहुत गाली देते हैं। तो देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने पास है, अगर वो देना चाहते हैं तो देखिए मैं तो आपको कहूँगा नहीं कि आप गाली दें, क्योंकि बिल्कुल भी मेरी तरफ से जायज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये भी सोचकर देखिए कि आपका वीडियो उनके पास है, आपके साथ में है, वो अगर आप उसको गाली देंगे गलत देंगे तो हो सकता है वो जो काम ना कर रहा हो वो फिर जानबूझ के कर दे। तो ऐसे समय पर आप अपना जो प्रॉब्लम है तो प्यार से उसको निकालना है, पुचकार से, ठीक है, जिस तरह जितना हो सके उतना आप निकाल लीजिए, क्योंकि गाली गलौज करके आपको मिलेगा कुछ नहीं। हाँ, क्रोध जरूर आएगा, आपको भी क्रोध आएगा, उसको भी क्रोध आएगा, इसको सुनना जिसने आपके साथ में किया है, और वो काम तो उसने गाली सुनने वाले ही किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कुत्ता काट लेता है, हम कुत्ते को नहीं काटते ना, तो वैसे ही हमारे साथ में है कि हम गलत ना करें अपने तरीके से, अपनी तरफ से। उसने जो किया वो जाने, उसकी सज़ा उसको ईश्वर देगा। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि आपके लिए अगर जो आपको उचित लगता है आप वो करें, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा आपके लिए कि आप गाली गलौज करें किसी के लिए। हाँ, गाली गलौज करके हमारी और ज़बान गंदी होती है, हम किसी को गलत कहें तो बेहतर है कि उसको उसके कर्म पर छोड़ दें कि वो जैसे उसने कर्म किया है उसको उसका सज़ा वैसी मिलेगी।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, बाकी आप सब समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है बेहतर आप सब जानते हैं, और उसके बाद कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप अपने जो, अगर आप किसी ऐसी ब्लैकमेल जैसी चीज़ में फंस जाते हैं तो आप अपने नियर बाय जो भी आपके एडवोकेट साहब हैं उनसे आप संपर्क करें, ताकि आपके लिए वो बेस्ट एडवाइस कर सकें और आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी हमारे दिए हुए नंबर पर जो व्यक्ति संपर्क करना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं कि हम ऐसे लगातार काम करते रहें, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर ही, गूगल पे या पेटीएम द्वारा। तो बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।